नमस्ते, वेलकम बैक टू हाउसिंग हुक्स। इस वीडियो में मैं कुछ सिंपल किचन टिप्स शेयर करूंगी, जिसे हम टाइम सेविंग करने के साथ साथ किचन से मनी भी सेव कर सकते हैं। जब भी मनी सेविंग फ्रॉम द किचन हम सोचते हैं, तो हमें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ सिंपल सिंपल टाइम एंड मनी सेविंग आइडियाज। तो किचन में हम सभी इस तरह के कटिंग बोर्ड्स यूज़ करते हैं, जो कि प्लास्टिक का होता है या तो फिर वुडन का। प्लास्टिक का तो बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी कट्स आते हैं और इसके जो प्लास्टिक पार्टिकल्स है वो हमारे खाने के साथ भी जाते हैं, जो हमें पता ही नहीं चलता है। और ये देख सकते हैं इसका हालत कितना ख़राब हो गया है, और ये गंदा भी दिखता है, काला काला हो जाता है, जो कि इतने आसान से साफ़ भी नहीं होता है। और वुडन का अगर आप ज़्यादा महंगा वाला लेते हैं तो थोड़ा सा सही है, बट ऐसे तो ये नॉर्मली बहुत जल्दी इसमें क्रैक आ जाते हैं। इसके बदले अगर आप स्टेनलेस स्टील की कटिंग बोर्ड यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसको क्लीन करना इतना ही आसान है कि कुछ सेकंड में आप इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर देंगे, आपको अंदर से सेटिस्फाई हो जाएंगे आप कि हाँ, ये कटिंग बोर्ड जो है वो बिल्कुल क्लीन है, जो कि वुडन और प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि नींबू, बेकिंग सोडा, ये सब से रब करना पड़ता है। और ऊपर से वो कभी कभी ख़राब दिखते हैं, तो किचन का लुक भी ख़राब करता है। तो स्टेनलेस स्टील का अगर आप कटिंग बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको बार बार कटिंग बोर्ड लेना भी नहीं पड़ेगा मार्केट से, क्योंकि ये ख़राब ही नहीं होता है इतनी जल्दी। और उसके साथ साथ ये देखिए कितने अच्छे से ये साफ हो गया, आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो टिप्स है वो हमारे किचन से जो वेस्टेज निकलते हैं रोज़, बहुत सारे सब्जियों के छिलके, जो भी सब्जियां आप यूज़ कर रहे हैं सारे, वो सब आप फेंक देते हैं, तो इसको मत फेंकिए। आप इसको अगर आप गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, कुछ प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, तो उसके लिए आप ज़रूर कंपोस्ट मार्केट से लेते होंगे, जो कि ऑनलाइन से तो अगर आप कंपोस्ट पैकेट लेते हैं तो आपको पता ही होगा कि ये कितने महंगे होते हैं। ऊपर से उसका क्वालिटी भी उतना भी अच्छा नहीं लगता है मुझे, ऐसा लगता है कि उसमें मिट्टी और कोकोपीट वगैरह मिलाया जाता है ज़्यादा। अगर आप घर में वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो आपका बिल्कुल प्योर वर्मी कंपोस्ट ये किचन वेस्ट से बना सकते हैं। तो आप गार्डन में किसी कॉर्नर में इससे दो बाल्टियाँ रख सकते हैं, बकेट रख सकते हैं, और उसमें ये छिलके जितने भी आपके निकल रहे हैं वेस्टेज उसको डाल दीजिए, और उसके ऊपर ऐसे दो तीन प्लेट मिट्टियाँ डाल दीजिए और इसको कवर करके रख दीजिए। ऐसे कर करके आप बाल्टी भर लीजिए, एक महीने में आपका जो ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट है बिल्कुल आपके बालकनी से ही निकल कर आ जाएगा। आपको इतने महंगे वर्मी कंपोस्ट ऑनलाइन से लेना नहीं पड़ेगा। और ये देखिए मैं अपने प्लांट में यही देती हूँ, और मेरे प्लांट्स जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. नेक्स्ट है, आप किचन में जब कुकिंग के टाइम में अगर आपको बहुत सारे लहसुन की ज़रूरत होते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, गार्लिक लेकर आते हैं और उसके ऊपर ऊपर के जो बड़े बड़े क्लॉव्स होते हैं उसके हम यूज़ कर लेते हैं, और अंदर की जो छोटे साइज के लहसुन होते हैं उसको हम ऐसे साथ ही रख देते हैं लहसुन के साथ, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे सोचते हैं। और ऐसे ही हम बड़े बड़े ऊपर से लेके यूज़ कर लेते हैं और ये छोटे वाले रह जाते हैं, और बाद में इसका हालत कुछ इस तरह से हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत अंदर से ख़राब हो गया है, बिल्कुल ये यूज़ करने की लायक नहीं है। ये मेरे साथ तो बहुत ऐसे ही बार बार होता था, पर अभी नहीं होता है। अगर आप भी ऐसे करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बड़े बड़े क्लोव्स को आप जैसे भी यूज़ करते हैं, ये छोटे वाले को लहसुन के साथ मत रखिए, इसको आप अलग से एक बाउल में या फिर किसी में रख सकते हैं, और बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब भी आप सब्जियाँ बनाते हैं, ये ग्रीन सब्जियाँ जैसे कि हरे साग बनाते हैं, तो उसमें हम जब ये वाली सब्जी बनाते हैं उसमें बहुत सारे लहसुन यूज़ होता है, और उस टाइम आपको उतना छिलके भी साफ करने की ज़रूरत नहीं होते हैं। तो वही छोटे छोटे जो लहसुन की कलियाँ हैं उसको आप ऐसे ही बिना छिलके के साथ ही कूट कर आप ये सब्जियाँ बना सकते हैं, ताकि आपकी ये छोटे लहसुन जो उसका छिलका आपको साफ भी करना नहीं पड़ेगा, और ये आराम से यूज़ भी हो जाएगा, आपका वेस्ट नहीं जाएगा, और हमारी सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनेगी।
when there's so many things that I keep in my mind. I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh wow. नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि हम जब नींबू लाते हैं मार्केट से तो ये हफ्ते दो हफ्ते में इस तरह से ब्राउन कलर के हो जाते हैं, मतलब ये खराब हो गया है और अंदर से भी खराब हो गया है, मतलब इसका टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाता है। तो इसको अगर आप ज़्यादा दिन तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो एक सिंपल सा टिप्स फॉलो कीजिए, जैसे कि आप इस नींबू को इस तरह के न्यूज़पेपर को काट लीजिए और इसको रैप करके रख दीजिए। ऐसे करने से ये एक महीने तक भी फ्रिज में फ्रेश रहता है। तो इतना सारा नींबू अक्सर हम लाते नहीं हैं और मैं भी नहीं लाई हूँ, ये मेरे फ्रेंड ने दिया है जो उनके गार्डन में हुआ था, तो इसीलिए मेरे पास इतने सारे नींबू है। तो कभी कभी हमारे साथ ऐसे होते हैं जब भी नींबू का सीज़न होते हैं तो कोई दे देते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, या फिर मार्केट से हम जब भी ले आते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, तो उनको आप इस तरह से न्यूज़पेपर में रैप करके रख सकते हैं ताकि ये ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहे और आप इसको लंबे टाइम तक आराम से यूज़ कर पाएँ। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better day, it seems like they just stay. Next जो टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे इफेक्टिव है, क्योंकि आप यहीं पर ही मनी या तो सेव करते हैं या तो मनी वेस्ट कर देते हैं। ये हमारे साथ अक्सर हो ही जाता है। तो जब भी आप सब्जी लाने जा रहे हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए जब भी आपकी फ्रिज पूरी तरह से खाली हो या फिर थोड़ी बहुत सब्जियां बची हो उसी टाइम ही आप सब्जी लाने के लिए जाएं, और बहुत ज़्यादा सब्जी ना लाएं। एक हफ्ते के लिए सब्जी अगर आप ला रहे हैं और ये ध्यान दे रहे हैं कि सब्जी आपकी बिल्कुल फ्रेश हो, जैसे ये बैंगन आप देख रहे हैं इसके जो स्टेम्स है वो बिल्कुल ग्रीन दिख रहे हैं और सारी सब्जियां बिल्कुल फ्रेश है। आप इस तरह की कोई शॉप ढूंढिए जैसे आपके घर के पास हो और ये सब्जियां जो है जिस दिन ला रहे हो आप उसी दिन लाने के लिए कोशिश कीजिए। जब अगर आप टमाटर ला रहे हैं तो ये ध्यान दें थोड़ा सा हार्ड हो, और थोड़ी बहुत सॉफ्ट वाले लाइए जो आप पहले यूज़ कर लें, या तो फिर आप इस तरह के अगर ग्रीन वेजिटेबल्स ला रहे हैं लाइक धनिया पत्ता करी लीव्स साग वगैरह लाते हैं तो इनको आप इस तरह के कंटेनर में टिश्यू पेपर के साथ रख सकते हैं। तो इस तरह की मैंने वीडियो भी बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, उसका एक कंप्लीट वीडियो भी है कैसे आप ग्रीन लीव्स को अच्छे से फ्रेश लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ टिप्स अगर फॉलो करेंगे तो आपकी ये ग्रीन लीव्स सब्जियाँ एक हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, वेस्ट नहीं जाएंगे। तो ये जो साग है इसको आप इस तरह की न्यूज़पेपर में रैप करके अगर रख देते हैं ना, ये आराम से तीन चार दिन तक तो फ्रेश ही रहता है। और फ्रूट्स भी आप ऐसे ही लाएं, अगर फ्रूट्स ला रहे हैं तो फ्रूट्स थोड़ा सा दबा के देख के लाइए कि ये थोड़ा सा हार्ड हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, ताकि ये भी आराम से आपके हफ्ते से ज़्यादा चल जाए। और सब्जियों को अगर आप फ्रेश ला रहे हैं ना तो आप ऐसे ही नॉर्मली अगर फ्रीज में रख देते हैं तो एक हफ्ते तो आराम से रहता है, और जो पुराने सब्जी जो भी थोड़ा बहुत बची हुई है उसको अलग से बास्केट में रखने की कोशिश कीजिए और उसको सबसे पहले बना लीजिए। रात को आप रोटी के साथ ऐसे ही सिंपल मिक्स वेज करी बना सकते हैं रोटी के साथ खाने के लिए, बहुत ही अच्छा लगता है, ताकि आपकी कम्प्लीटली सारी सब्जियां ख़त्म हो जाए, नेक्स्ट आप नए वाले जो सब्जी लाए हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप मशरूम ला रहे हैं तो पैकेट में अच्छे से देखिए, ये देखिए ये पुराना वाला है जो थोड़ा सा रेड दिख रहे हैं और ये फ्रेश है, बिल्कुल ये व्हाइट दिख रहा है, तो ये व्हाइट वाले लाइए ताकि आप इसको लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। और इसको और भी अगर आप इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप मील प्लानिंग कर सकते हैं। मील प्लानिंग करने से आपकी सब्जियां बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगे अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो, क्योंकि आप जो भी आप प्लान बना रहे हैं पूरे वीकली प्लान बना लीजिए ताकि आप उतना ही सब्जी लाएँ जितना आपको ज़रूरत है, जो भी सब्जियाँ आपको ज़रूरत है, एक्स्ट्रा आप लाएँगे ही नहीं और सब्जियाँ बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, किचन में अक्सर स्नैक्स या फिर ग्रोसरी आइटम्स के पैकेट को हमें तुरंत सील करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी कंटेनर्स खाली नहीं मिलते हैं तो हम इस तरह की रबर बैंड्स यूज़ करते हैं। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, स्पेशली जब आप इसको खोलते हैं, ज़्यादातर ये खो जाते हैं और टूट भी जाते हैं, तो आप इस तरह की स्नैक बैग क्लिप सीलर यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है, इसके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में क्लिप्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि मीडियम लार्ज और स्मॉल साइज के क्लिप्स मिल जाते हैं, तो आप किसी भी क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको छोटे साइज पैकेट को सील करना हो तो आप छोटे साइज के यूज़ कर सकते हैं और बड़े वाले पैकेट्स के लिए बड़े वाले यूज़ कर सकते हैं, और इन क्लिप्स को यूज़ करना बहुत ही आसान है।
sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. इसके जो सीलिंग है वो बहुत ही टाइट होते हैं, बिल्कुल भी खुल के नहीं आते हैं, तो ये एयर टाइट की तरह बिल्कुल सील हो जाते हैं। आप इसको किचन में छोटे से जगह में एक ड्रॉयर में रख सकते हैं और इसको काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आजकल मार्केट में इजीली रेडी टू कुक चीजें मिल रहे हैं, जैसे डोसा बैटर, इडली बैटर, अप्पम बैटर और पराठास, रोटी, नान, न जाने क्या क्या, और धीरे धीरे लोगों की आदत बन रहे हैं इसे यूज करना, क्योंकि इसमें आपका टाइम सेव होता है और टेस्ट हमेशा बिल्कुल सही। पर क्या मनी सेव होता है? सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हेल्थ सेव होता है? नहीं, क्योंकि इसमें केमिकल्स और टेस्ट के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपको इसको तुरंत अवॉइड करना चाहते हैं, और बहुत ही कम क्वांटिटी के लिए हम बहुत ज़्यादा पे भी करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। तो इसके बदले आप थोड़ा सा टाइम भले ही आपको देना पड़े, पर घर में आप सिंपल खाना, सिंपल डोसा, इडली, ये सब आप यूट्यूब से देख के भी घर में बना सकते हैं, तो आप मनी भी सेव कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपका हेल्थ भी सही रहे। और अगर आप रेगुलर बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं या फिर हमेशा बाहर रेस्टोरेंट होटल में जाना पसंद करते हैं, तो इसे अवॉइड करने से आपका हेल्थ और मनी दोनों सेव होंगे। होम कुक फूड से कंपेयर करें तो बाहर का जो फूड होते हैं उनके क्वांटिटी तो बहुत कम ही होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्राइसी होते हैं। हमारे घर के जो सिंपल रेसिपीज़ होते हैं वो आप लोकल वेजिटेबल्स के साथ बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगी वेजिटेबल्स जो इम्पोर्ट होके आते हैं, जैसे जुकीनी, रेड कैबेज, ये सब पर मत जाइए, लोकल वेजिटेबल्स पर फोकस कीजिए, ताकि आप मनी सेव वहाँ पर भी कर सकते हैं। और हाँ, कभी कभी आप हफ्ते 15 दिन में बाहर से ऑर्डर ज़रूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बस भूल जाना है। तो आई होप आपको आज की ये सिंपल टिप्स पसंद आया हो, और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब टू हाउसिंग हॉक्स फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। Take care. Bye-bye.